थोड़ा थोड़ा धीरे निकले सकता, और ये है हमारा आपस का इंतजाम। यह जो रास्ता है बिल्कुल जो सफारी बैठ है और ऊपर में शांति स्तूप हो गया, जो कि तीन लोग उधर गया है और दो लोग हम इधर की ओर निकले हैं। इससे पहले दो बार आए हैं तो इधर गया नहीं थे, इस बार निकले हैं जाने के लिए। तो चलिए घोड़ा पे देखते हैं और मिलते हैं। पहले जो भी हमें चलते हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक एंड कमेंट कर बताएं कि घोड़ा का थोड़ा कैसा है। 806 ब्लॉक को दूसरा प्यार में चलिए आज मिलते हैं आप सबसे। यहाँ तितलियाँ बहुत ही सारी बढ़िया है। वादियों के बीच में वादी टावर भी बनाया हुआ है, पूरा हम लोग पहाड़ों के बीच में। आ चुके हैं घोड़ा कटोरा इको पार्क। इस पहले एक बोर्ड लगा हुआ था उस पर यही था, और बीच में देख सकते हैं कि बुद्ध का मूर्ति बना डाल हुआ है पानी के बीच। ज़्यादा भीड़ है नहीं यहाँ पे, चार्ज जो है पर हेड 100 है, 150 पर हेड है। यही है घोड़ा कटोरा, इसमें केवल पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ है, बीच में ये बुद्ध का प्रतिमा, भगवान बुद्ध का प्रतिमा, और वही है बीच में बोटिंग का सुविधा है, और बोटिंग चार्ज इधर है, बोटिंग काउंटर जो कि पर हेड 80 रुपीस 80 रुपये है। उसके साथ सामने में कुछ बतख सब के झील है, तो झील गिरता होगा पानी। हम लोग को लगा कि हाँ यहाँ पे झील है तो कुछ होगा खास, पर यहाँ पे दिखने में कुछ खास है नहीं, केवल यही है पहाड़ पहाड़ है। पहाड़ पे पानी गिरता होगा झील, अंदाज से जो भी यहाँ आता होगा दोबारा ना आता होगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ है ही नहीं, और यहीं का चार्ज है 100 रुपया। यही है पहाड़ों के बीच में, बोटिंग का अलग है, बोटिंग का इसी में होना चाहिए था। चलिए देख लेते हैं कुछ कुछ, इसी में घूमते हैं। 45 मिनट का समय मिला है तो कुछ तो बिताना ही होगा यहाँ पे। दो तीन लोग ऊपर है, तीन लोग तो लोग हम लोग इधर है, और यही है यहाँ का व्यू पॉइंट। कुछ है नहीं, फिर भी देखते हैं क्या। यही है घोड़ा कटोरा फिर से, उसके अलावा यहाँ पे है नहीं। कुछ है उस साइड में, कुछ बतख है जैसा कि पोस्टर में हम लोग देखे थे बैनर में, तो वहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीका से इसको दर्शाया हुआ था, तो अनुसार से हम लोग को लगा कि हाँ यहाँ पे एक झील होगा, लेक होगा, पर यहाँ पे है नहीं कुछ, केवल यही है छोटा सा एक तालाब, तालाब नुमा है, हल्का सा पानी स्टॉक किया हुआ है। उसके अलावा कुछ बोटिंग है जो कि 80 रुपया पर हेड है, हम लोग को लगा कि 80 रुपये पर बोट हो तो हम लोग चारों इस पे जाएंगे, पर यहाँ है नहीं कुछ, केवल यही है पहाड़ है चारों ओर से, और कुछ खास लगा नहीं हम लोग को यहाँ पे आके। कुछ होता कि हाँ बहुत ही खास वो है नहीं। चलते हैं उधर, उधर चल के देखते हैं कि उधर कहीं कुछ हो, देखते हैं आगे। यही है, अब हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पे कुछ है स्पेशल, क्योंकि
इस साइड से अपेक्षा काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो जैसा कि ये जा रहा है इस पहाड़ पे चढ़ने, तो इसको जाने देते हैं कुछ देर के लिए। आपको हम दिखाते हैं कि इस साइड में ये जो कि बेहतर इलाका है, इलाका नहीं व्यू पॉइंट है, जो कि ये सबसे इधर का बेस्ट है। और ऊपर का मौसम भी देख सकते हैं और नीचे का नदी, दोनों काफ़ी सुंदर है और बेस्ट प्लेस यही लगा मेरे को इधर का। उसके अलावा है ये सब पहाड़ है, और इसको जो काट के, ये दोनों साइड के पहाड़ को काट के यहाँ पे जो बनाया गया है वो ये है। एक ये इसको बोल सकते हैं कि स्टॉक पॉइंट है पानी का, जो कि महीने में जो पानी होता है उसको स्टॉक किया जाता है इधर। और अभी ये स्टॉक है इधर पानी, और इसको जो उधर से है छोड़ने का जगह बनाया हुआ है वो पुल है, पुल से होके इधर। और यहाँ पे इसका डैम बनाया हुआ है, छोटा सा डैम, जो कि आगे चल के हम दिखाते हैं आपको। तो जो कि देख सकते हैं डैम ये रहा यहाँ से, जिसको इसको ओपन करने पे पानी इसी के रास्ते वहाँ पे निकलता है नीचे। यहाँ पे पुल बनाया हुआ है, तो इससे इस पॉन्ड में, तालाब बोल सकते हैं जो भी, इसमें पानी जाता है। और यहाँ का एक ये जो खूबसूरत सीन है, और दिख रहा है या ना, यहाँ पे तितलियाँ बहुत ही सारी हैं, जो कि देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पे तितलियाँ देखकर, और काफ़ी मज़ा आ रहा है, और काफ़ी बढ़िया सीन है। कुछ घूमने वाले लोग हैं इधर आए हुए हैं, ये लोग पहले से यहाँ पे थे, और ये लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं, और उसकी अपेक्षा इधर अच्छा फील हो रहा है। और हमारे साथ जो आए हैं वो दो लोग उधर हैं, पहले हम लोग इधर देखते हैं अच्छे से, उसके बाद आगे हम निकलते हैं और आगे का सीन देखते हैं कि क्या है, क्या चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि पाइपलाइन यहाँ पे बिछाया हुआ पानी का, जो कि वहाँ से पाइपलाइन को जोड़ के यहाँ पे लाया हुआ है। और इस साइड में इसका छोड़ है, यहाँ पे वहाँ पे नाला है, वहाँ पे ये जो हो गया मतलब जिसको बोल सकते हैं कि ज़बरदस्ती लाना वो। और ये जो है जब पानी ओवरफ्लो होता है तो इसके द्वारा पानी इधर छोड़ा जाता है। और ये है कि अगर इधर पानी ना हो तो इधर से खींच के जो पानी लाया जाता है वो, इधर से ज़बरदस्ती पानी लाया जा रहा है। तो यही है सामने का जो कि देख सकते हैं वहाँ से इधर तक है, और काफ़ी बढ़िया है नीचे का और ऊपर का दोनों मौसम यहाँ पे मिल रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इसको हम अपने हाथ पे ले सकते हैं, ऐसा फील आ रहा है यहाँ से, जो कि देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं, और यहाँ का ये भी एक खूबसूरत सा सीन है तितलियों का। तो चलिए अब आगे देखते हैं और मिलते हैं आप सभी से। थोड़ा आने का कुछ फायदा हुआ, जो कि पहाड़ के उस साइड में है, इस साइड में कुछ मज़ा आया नहीं। हम लोग के साथ में दो लोग और हैं, ये लोग भी, इन लोग को भी इधर ही जाके मजा आया, पर कुछ है नहीं, जो कि इधर यही है। अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं वापस, यहाँ से पहाड़ पे आया जाता है, क्योंकि वहीं पे और तीन लोग जो हैं वो आ चुके होंगे। तो अब चलते हैं और आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम रुक करें, लाइक करें और बताएं कि घोड़ा कटोरा का जो व्यू पॉइंट है इधर का भी और उधर का भी कैसा रहा, और हमारे इस चैनल को द डिजिटल चिप्स ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, ताकि लोगों को पता चले हमारे सभी वीडियो को शेयर करें, जो कि इससे पहले भी मेला का जो वीडियो है उसको। तो चलिए अब मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।